क्यों हुआ है, कैसा प्यारा वंश है। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पुत्र हैं अत्रि, अत्रि के पुत्र हैं चंद्रमा, और चंद्रमा के पुत्र हैं बुध, और बुध के पुत्र हैं पुरवा। इन्हीं पुरवा के वंश में 6 पुत्र हुए, आयु, श्रोतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। ये 6 पुत्र हुए। इसी चंद्रवंश में एक बड़ा तेजस्वी पुत्र हुआ है जिसका नाम है गाधी। ये गाधी जो है चंद्रवंशी राजा थे, बड़े तपस्वी हैं, लेकिन गाधी के घर में पुत्री तो थी, पुत्र नहीं था। उस पुत्री का नाम था सत्यवती। अब सोचा इस पुत्री का विवाह कहाँ करें, पुत्री का विवाह कहाँ करें। तो भृगु ऋषि के पुत्र ऋचिक से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। और जब ऋचिक मुनि के यहाँ बेटी चली गई, ऋचिक मुनि के यहाँ बेटी चली गई, एक ही बेटी थी, गाधी रोते हुए रह गए, क्या करें, मेरी एक ही बेटी थी और पराए घर चली गई, एक ही बेटी थी पराए घर चली गई, गाधी रोते हुए रह गई। और ये बात मैं अधिकांश कहता हूँ, इस बात को मैं प्राय हर कथा में कहता हूँ कि पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, लेकिन पुत्री कभी कुपुत्री नहीं हो सकती। हाँ, वैसे पिता के वंश को चलाने वाले आज्ञाकारी पुत्र भी होते हैं, लेकिन पुत्री का स्थान पुत्र कभी नहीं पा सकता। जितनी माता पिता की इज्जत का ध्यान लड़कियां रखती हैं, उतना लड़के रखते हैं क्या। अब लड़के कहते तारते तो हैं, अब तारते हैं मारते हैं, भगवान जाने लड़के क्या करते हैं, लेकिन ये बात सत्य है, लोगों कट सत्य है, कड़वी भी है और सत्य भी है कि लड़की का स्थान लड़का कभी नहीं ले सकता। लड़की दोनों बोलो की शान होती है। अब लड़के तो लड़के हैं, पुत्र पुत्री का स्थान कभी नहीं ले सकता। गाधी बोले एक ही बेटी थी, ससुराल चली गई, मैं क्या करूं। एक दिन गाधी अपनी पत्नी से बोले, बोले हमारे दवान तो बड़े विद्वान है, दवान से प्रार्थना करो तो कोई ऐसी दवा बना दे कि हमारे यहाँ पुत्र हो जाए, मुझे तो कहने में बड़ा संकोच होता है। तो ऋचिक मुनि ने 2 तरह की औषधियां बनाई, एक औषधि अपनी सास के लिए और एक अपनी पत्नी के लिए। लेकिन जो सास को दवा बनाई वो पत्नी ने खा ली, और जो पत्नी को दवा बनाई वो सास ने खा ली। इसलिए सास के यहां जो पुत्र हुआ वो क्षत्रिय होने पर भी ब्राह्मण हो गया, जिसका नाम है विश्वामित्र। विश्व सास बनता मित्र विश्वामित्र। और ऋचिक मुनि के यहाँ जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम है जमदग्नि। कौन नहीं जानता जमदग्नि का नाम, जमदग्नि की पत्नी का नाम है रेणुका। उनके 4 पुत्र हैं, और 4 पुत्रों में सबसे छोटे पुत्र हैं परशुराम जी। और परशुराम जी तो अपने पिता का इतनी आज्ञा मानते थे कि एक बार पिता की आज्ञा से अपनी माता और भाइयों को मार ही दिया था फांसी। देखिए पिता के महत्व को जानते थे। पिताजी ने कहा बेटा हम प्रसन्न है, बोलो क्या चाहते। बोले हमारे भाई और माता सबको जिंदा करो। परशुराम पितृज्ञा राखी और मारी मात लोक सरिता, मारी मात लोक सरिता। ऐसे परशुराम जी महाराज हैं जिनके पुत्र, उधर जो गाधी मुनि हैं उनके जो पुत्र हैं विश्वामित्र, उनके 100 पुत्र हैं। इसी वंश में आगे चलकर एक राजा हुए हैं नहुष। नहुष महाराज के 6 पुत्र हैं, यति, अयाति, संयाति, अयाति, वियति और तृति। इनमें जो अयाति नाम के 2 नंबर के पुत्र हैं, उन्हीं अयाति का विवाह हुआ शुक्राचार्य की पुत्री से, जिसका नाम है देवयानी। और देवयानी के गर्भ से जो बालक पैदा हुआ उसको हम कहते हैं यदु, यदु कहते हैं। इन्हीं यदु के वंश में भगवान कन्हैया का प्रातः हुआ। तो कहने का तात्पर्य बंधु, आपसे एक बात कहते हैं, जिस तरह सूर्य वंश में वाले प्रतापी राजा हुए हैं,
उसी तरह चंद्रवंश में भी बड़े प्रतापी राजा हुए। हाँ, एक बात मैं बता दूं आपसे, अपना पेट तो सभी भर लेते हैं, अपना पेट तो सभी भर लेते हैं, संसार में जीना तो उसी का है जो कम से कम 10 का पेट भर के चले। अपना पेट तो कुत्ता घोड़ा गधा सब भरते, अपना अपना तो सब भर लेते हैं। चंद्रवंश में बड़े विचित्र राजा हुए जिनका नाम है रणजीत, ऐसे यशस्वी राजा हुए हैं चंद्रवंश में, कोई दूसरा नहीं हुआ। पहले के राजाओं के किए गए पापों का परिणाम यह हुआ कि रणजीत महाराज के राज्य में 12 वर्षों तक पानी नहीं बरसा, धरती सूख गई, दुर्भिक्ष पड़ गया, सारी प्रजा भूखों मरने लगी। रणजीत ने अपने खजाने को फूट दिया, जब 12 वर्षों तक पानी नहीं बरसेगा तो राजा का खजाना तो खाली हो जाएगा। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, एक दिन ऐसी परिस्थिति बन गई कि रणजीत के भंडार में केवल 250 ग्राम चावल बचे हैं और साफ हो गया। गया अपनी पत्नी से बोले कि इन्हीं चावलों को पका के भोग लगाओ, और जैसे उनकी पत्नी ने चावल पकाए और पका के जैसे भोग लगाने बैठे, दरवाजे पर एक ब्राह्मण चिल्ला रहा, अरे महाराज मैं कई दिनों से भूखा हूँ, भूख से प्राण निकल रहे, मुझे कोई भोजन दे दो। तो रणजीत देव ने अपने आगे की थाली उस ब्राह्मण को समर्पित कर दी। नहीं महाराज, आप हमारे राज्य में भूखो मत मरिए। ब्राह्मण को थाली समर्पित कर दी। अब पत्नी की तरफ देखने लगे, पत्नी से कहा क्या है? बोले महाराज कुछ नहीं। तो बोले पानी है? बोले तो पानी तो है। तो बोले पानी है तो भोग लगा, और जैसे जल में तुलसीदल छड़क के भोग लगाने लगे, उसी समय दरवाजे पर एक चांडाल, उसके साथ 5 कुत्ते चिल्ला रहा है, महाराज मैं प्यास से व्याकुल हो रहा हूँ, मुझे कोई पानी पिला दो, मेरे प्राण निकलने वाले, मुझे कोई पानी पिला दो। रणजीत देव अपना जल लेकर आए, उस चांडाल को उन कुत्तों को जल पिला दिया, और जब पिला रहे आकाश की तरफ देखकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान हे गोविंद, ना मुझे स्वर्ग चाहिए, ना वैकुंठ चाहिए, ना धन संपत्ति चाहिए, ना सारी सृष्टि का राजा होने की मेरी आकांक्षा है, ना मुझे मुक्ति चाहिए, मैं तो केवल यही पर चाहता हूँ कि संसार में जितने दुखी प्राणी हैं उनके हृदय में बैठकर मैं दुख का अनुभव करूं, और मेरा सुख जितना है वो सारी संसार को बांट दिया जाए, पूरे वृंदावन में हरि लाल की, मेरा सुख संसार को दे दिया जाए, और संसार के जो दुखी प्राणी है उनका दुख मुझे मिले, ऐसा कोई मांगेगा संसार? हे भगवान, मैं ना तो कोई पूजा जानता हूं, हे भगवान ना मैं कोई पूजा जानता हूं, ना माधवा नमा गोवंदा नमा केशवा नमा कुछ नहीं जानता, मैं तो महाराज इन्हें जीवों को जब समर्पित कर रहा हूं। हे भगवान, माल के इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। हे राघव सरकार, हे कन्हैया जी, इतना मुझे जरूर देना कि मेरे घर अगर कोई अतिथि आ जाए, कोई मेहमान आ जाए, कोई साधु संत आ जाए, तो हमारे दरबार से भूखा और प्यासा ना चला जाए, क्योंकि बंधु हम गृहस्थ मार्ग में रहते हैं, और गृहस्थ मार्ग का धर्म होता है अतिथि देवो भवा, मेहमान देवता की तरह हो जाए, ना जाने किस वेश में नारायण आ जाए, कोई ठिकाना थोड़ी है, किस वेश में नारायण आ जाए, किस वेश में कन्हैया आ जाए, किस वेश में राम आ जाए, कोई ठिकाना नहीं। हमारा एक नियम है, हम जो गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं, हे भगवान मैं जीवों को जल समर्पण कर रहा हूं, भोजन ले रहा हूं, यही मेरी सर्वोत्तम पूजा है, और इस पूजा से बढ़कर मैं कुछ नहीं जानता, और ये बात सत्य है बंधु, ये बात सत्य है, हम गृहस्थ मार्ग में रहते हैं, अगर आप 10 बार मंदिर ना जाओ तो चल जाएगा, 10 बार कथा सुनने ना आओ तो चल जाएगा, लेकिन अतिथि धर्म की बात है कि आपके घर से अगर कोई मेहमान भूखा या प्यासा
चला गया तो बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर आपने किसी को एक गिलास पानी नहीं दे पाए, किसी को भोजन नहीं करा पाए, तो ग्रस्त धर्म बिल्कुल गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। चाहे कथा सुनो, चाहे कथा कराओ, चाहे पूजा करो, चाहे कुछ भी करो, जब घर मंदिर में नहीं रहो तो घर से अगर कोई प्राणी भूखा प्यासा चला जाएगा तो भगवान कुछ नहीं कर पाएंगे। आप सोचो कि हम लंचपुर में पिया डरवा दें, लंचपुर में भंडारा खोलवा दें, लेकिन अगर घर के माता पिता भूखे बैठे हैं ना, घर के मताई बाप अगर भूखे बैठे हैं, तो तुम कितना भी भंडारा संचालित कर लो, कभी तुम्हारा भंडारा सफल नहीं होगा। मैं तो इतना कह रहा हूं कि अगर आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो इतना करते जाओ कि भूखे को देना भोजन और प्यासे को देना पानी। रंगीरे की तरह इतना करते जाओ तो कथा भागवत का पुण्य हमें मिल जाएगा, धर्म करने का पुण्य मिल जाएगा, मंदिर जाने का पुण्य मिल जाएगा। अरे भूखे को देना भोजन और प्यासे को देना पानी तो परमात्मा सुनेगा तेरी आत्मा की बात। भूखे को देना भोजन प्यासे को देना पानी परमात्मा सुनेगा तेरी आत्मा की बात। धर्मात्मा जगत में वही परम आत्मा है। यहाँ मंदिर बना है, जैन धर्म का मंदिर बना है, आप सब देखते हैं, इसलिए कह रहा हूं कि जीने तो और जियो। एक पानी हमारे संग है, एक पानी है हमारे संग सायगढ़ को राजीव राव जी को, और महावीर स्वामी का कहना है इसके इसलिए कह रहा हूं कि जीने तो और जियो ये महावीर की है पानी परमात्मा सुनेगा तेरी आत्मा की बाणी। मुझे ना भोजन प्यासे मुझे ना पानी परमात्मा सुनेगा तेरी आत्मा की बाणी। हे भगवान, मुझे इतना प्रदान करना कि मेरे घर से कोई भूखा या प्यासा न चला जाए। परमात्मा प्रसन्न हो गए, आकाश की ओर रंग दीदी प्रार्थना कर रहे थे कि चारों तरफ से घटाएं आई, बिजली चमकने लगी और एक मिनट में पूरा राज्य जलमग्न हो गया। बड़ी अद्भुत जल की वृष्टि हो गई, क्योंकि वो चांडाल, वो ब्राह्मण, वो कुत्ते,
कोई और नहीं थे, साक्षात ब्रह्मदेव ही रंतिदेव की परीक्षा ले रहे थे, रंतिदेव की परीक्षा ले रहे थे, और वही हुआ जो रंतिदेव की इच्छा थी। इसीलिए तो कहते हैं संसार में अपना अपना काम तो सब कर लेते हैं, खा लेना तो पशु भी खा लेता है, कुत्ता खाता है, गधा खाता है, बड़ा खाता है, सब खाते हैं, लेकिन मनुष्य होकर के अकेले खाना धर्म नहीं है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। धनवान है कितना, कभी इंसान है निर्धन, कभी इंसान है आज कभी धनवान है कभी निर्धन है, और कहीं सुख है कहीं दुख है, इसी का नाम है जीवन, किसी का नाम है। जो मुश्किल में न घबराए, जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते, कहीं धोखा कहीं ठोकर, कहीं धोखा कहीं ठोकर, संसार कैसा है, कोई हंस हंस के जीता है और कोई जीता है रो रो कर, कोई जीता है रो, कोई हंस हंस के जीता है कोई जीता है रो रो कर, जो गिर कर संभल जाए, जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, गलती रुलाती है तो रास्ता
भी बताती है तो रास्ता भी बताती है। मनुष्य गलती का पुतला है ये अक्सर हो ही जाती है, ये अक्सर हो ही जाती है। गलतियां होती हैं, आदमी से गलतियां होती हैं, लेकिन जो गलती करके पछताए, जो गलती जो अपनी गलती को स्वीकार कर ले कि हाँ मेरी गलती है, वो आदमी है। वो गलती भी करे और हैंगड़पन भी दिखा दे। जो गलती करके पछताए उसे इंसान इंसान का दिल है वही परमार्थ करते हैं, वही परमार्थ करते पर है तो सरस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सब नहीं अजमाई, पराया हित करके देखो वही धर्म है। अपना अपना तो सब खाते पीते हैं है? जिन है इंसान का दिल है पुनर परमार्थ करते हैं, पुनर परमार्थ करते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, पशु भी पेट भरते भूखा कौन है, घोड़ा खा रहा है, गधा खा रहा है, कुत्ता खा रहा है, हाथी खा रहा है, सिंह खा रहा है, सब तो खा रहे हैं, कुछ भूखा है क्या? लेकिन जो बंदा पाट कर खाए, जो बंदा पाट कर खाए उसे इंसान आइए बंधु, जो श्री अयाती महाराज के सबसे बड़े पुत्र थे जिनका नाम था यदु, इन्हीं यदु महाराज के वंश में कई पीढ़ियों के बाद एक राजा हुए हैं जिनका नाम है देववीर। तो देववीर इनकी एक पत्नी के दो पुत्र हुए, एक का नाम अर्जुन और एक का नाम परजन, और दूसरी पत्नी के जो बेटा हुए हैं उनका नाम है सूरसेन और उन्हीं के पुत्र हैं बसदेव। जो अर्जुन परजन है इनके नौ पुत्र हुए जिन्हें नौ नंद कहते हैं, जो नंद बाबा इत्यादि हैं। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, हे परीक्षित, बसदेव जी की सात पत्नी हैं, बसदेव की सात पत्नी हैं, सबसे छोटी है देवती और भी रोहिणी मदरा भद्रालोचना इला देव की प्रमुखा आसन पत्ना कुटुंब। जो सात पत्नी है सबसे छोटी है देव की, सबसे बड़ी है पौरवी, फिर रोहिणी,
फिर मदरा फिर भद्रा फिर रोजना फिर इला और फिर देवती, सात पत्नी। ये जो सात पत्नी है सबसे छोटी देवती, दूसरे नंबर की रोहिणी है, उनके जल्दी पुत्र पैदा नहीं हुआ। देवकी के जब छह पुत्र नष्ट हो गए तब रोहिणी के पहला पुत्र हुआ जिसको कहते हैं बलराम। वैसे बलराम भी और भाई हैं। ये जो छोटी महारानी है उनके आठ पुत्र हुए, छह पुत्र पर कंस ने नष्ट कर दिए, आठवां पुत्र कन्हैया के रूप में, सातवां पुत्र वो हम बलराम कहते हैं, आठवीं संतान के रूप में गोविंद का प्राकट हुआ। मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में पल्ला झूले, वृंदावन में लीला की, कंस आदि के डर से मथुरा में कंस का संहार किया, इनके जरासंध के डर से द्वारका चले गए। द्वारका में मेरे प्रभु ने बहुत से विवाह की, कौरव पांडवों का युद्ध कराया, उद्धव जी को उपदेश करने के पश्चात कृष्ण अपने धाम को चले। पूरी कथा सुना दी सुखी बंद हो परीक्षित, बोले बोले महाराज हो गए क्या कर, बोले सुना तो दी। बोले महाराज आपने जो राम की कथा सुनाई मुझे बड़ा आनंद आया, लेकिन कन्हैया की कथा में तो आप कंजूसी कर गए। जो कन्हैया मेरे बाबाओं के रक्षक, मेरे पिता के रक्षक, मेरे रक्षक, जिन कन्हैया ने हम सबकी रक्षा करी हो, उनकी कथा हम इतनी सूक्ष्म रूप में सुन। अरे महाराज आप बड़े स्नेह से बताए कन्हैया ने कौन कौन सी लीला की। आपने जो वर्णन किया उसमें सातवीं संतान बलराम देवकी के हैं, और रोहिणी के पुत्र ने जो वर्णन किया तो दूसरे नंबर के बलराम हैं। अब ये समझ में नहीं आया कि ये बलराम एक थे कि दो बलराम थे। अगर एक ही बलराम है तो दो माताओं के बिना जन्म लिए कैसे होंगे। देवक्या गर्भ संबंधा कुतो देहांतरम बिना रोहिण्या सुतनया प्रोक्तो रामा शंकर। दो माताओं के कैसे हैं। सुखदेव जी बोले परीक्षित, अरे मैंने श्रोता बहुत देखे हैं लेकिन तुम्हारे जैसा श्रोता नहीं देखा। हाँ अरे चार दिन से कथा सुन रहे हो, चौथा दिन है ना भोजन किया है ना पानी पिया है, अरे थोड़ा जलपान कर दो, भूख लगी हो प्यास लगी होगी थोड़ा जलपान कर दो। परीक्षित बोले बोले महाराज मुझे ना भूख लगी है ना प्यास, और मैं आपके मुख रूपी चंद्रमा को देख कर गोविंद की अमृत रूपी कथा पान कर रहा हूँ। और ये बात सही है, अगर किसी को रसगुल्ला खाने को मिलेगा तो गुड़ क्यों खाएगा। महाराज मैं अपमान के साथ नहीं कह सकता कि मैं भूख को मैंने जीत लिया है, भाई भूख और प्यास तो शनि का धन है, लेकिन भूख प्यास जीतना मुश्किल है। इसी गलती की वजह से तो मैंने ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था, लेकिन आज महाराज मैं आपकी अमृतमयी कथा सुनकर ना मुझे भूख लगी है ना प्यास लगी। जब राजा परीक्षित ने हमारे आपकी तरह कथा थोड़ी सुनी, तो दो तीन घंटे कल, दो तीन घंटे आज, दो तीन घंटे परसों, न सुखदेव जी ने आसन बदला न परीक्षित ने आसन बदला, लगातार सात दिन तक कथा चलती है। सुखदेव जी ने कहा राजन तुम्हारी कन्हैया की कथा में नेशनल छुट्टी है इसलिए तुम्हें सुना रहा हूं, सुनो। सुखदेव जी कहते हैं हे राजन पृथ्वी पर जब पापाचार अत्याचार अनाचार बढ़ते हैं, दुष्टों का बोलबाला बढ़ता है, तब क्या होता है। जब जब हो धर्म के हानि अधर्म अभिमान होता है। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा
पढ़ते हैं तो भगवान विविध रूप धारण करके पृथ्वी पर आते हैं। राजन गाय का रूप धारण करके पृथ्वी देवताओं के पास जाकर बोली कि अगर महाराज ऐसे पापाचार अत्याचार अनाचार हमारे ऊपर होते रहे तो मैं तो रसातल में चली जाऊंगी, मुझसे बर्दाश्त होने वाला नहीं। पृथ्वी के मन का भाव देखकर देवताओं ने प्रार्थना की, आप कुछ करिए। देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना करी, आप कुछ करिए। ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान आप कुछ करिए। यहाँ पृथ्वी की पुकार सुने आप। पृथ्वी कहती है कि कन्हैया, जिस पृथ्वी से तुम वैकुंठ में रहकर भी इतना प्यार करते हो, इतना प्रेम करते हो, लेकिन आज पृथ्वी पर कितने पाप अत्याचार अनाचार हो रहे हैं, क्या कर रहे हो? वैकुंठ में रहकर गिरधारी मुरली का बजाना गिरधारी मुरली का बजाना धर्म निभाना भूल गए, अब पाप यहाँ पर हंसता है क्या धर्म निभाना भूल गए। वैकुंठ में रह कर गिरधारी मुरली का बजाना चले आए। आज आपको लाखों द्रौपदी मुकाम नहीं है। द्रौपदी ने तुम्हें पुकारा है क्या चीर बढ़ाना भूल गए। द्रौपदी ने तुम्हें पुकारा है क्या चीर बढ़ाना भूल गए। अब लाज यहाँ पर लुटती है क्या धर्म निभाना भूल गए। अब लाज यहाँ पर लुटती है क्या धर्म निभाना भूल गए। वैकुंठ में रह कर गिरधारी मुरली का बजाना भूल गए। Thank you.
लोगों ने तुम्हें पुकारा है, क्या तुम चलाना भूल गए? अब यमुना के तट सुने हैं, क्या नागनाथ ना भूल गए? अब यमुना के तट सुने हैं, क्या नागनाथ ना भूल गए? प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ब्रह्मा ने कहा देखो मथुरा में भगवान वसुदेव देवकी के यहाँ कृष्ण के रूप में अवतरित होंगे, और गोकुल में जो नंद की पत्नी है यशोदा, यशोदा के यहाँ उनकी दिव्य चिन्मयी माया अवतरित होकर आएगी। हे पृथ्वी माता, आप सबके कष्ट मिटेंगे मुझे ऐसा लगता है, लेकिन हमारा भी तो कोई कर्तव्य बनता है कि भगवान के आने के पहले हम भी तो ग्वाल द्वार बनकर पहुंचे। वहां मथुरा में बड़े यशस्वी राजा राजे करते थे भूपसेन, उनके कोई पुत्र नहीं था, उनकी पत्नी का नाम था पवन रेखा, पुत्र कामिष्ठ किया। एक दिन पवन रेखा अपनी सहेलियों के साथ जंगल में विहार करने गई, वहां द्रोमरिक नाम का राक्षस मिल गया, उस राक्षस की छाया पड़ी, तो इनके यहाँ जो बालक पैदा हुआ उसको हम कहते हैं कंस उग्रसेन के। जब ब्राह्मणों ने बताया कि महाराज के वंश एक कंस आपके वंश को नष्ट करने वाला हो बर्बाद कर देगा, तो उग्रसेन थे उसको लता पताओं में लपेट के जमुना जी में बहा दिया। जमुना जी में बसदेव के पिता सूरसेन तपस्या कर रहे थे, उस लते पते को दे दिया, उस बच्चे को उठा के ले आए, घर ले आए, अपनी पत्नी को दे दिया, तो वो कंस वसुदेव के साथ इनके यहाँ पलता। यहाँ नारद जी के द्वारा कंस को पता चला कि तू तो उग्रसेन का बेटा है, कंस को क्रोध आया, कंस रात्रि में ही कैलाश पर्वत पर चला गया, वहाँ भगवान शिव की तपस्या की। शिव जी ने उस समय एक धनुष दिया, कंस इस धनुष को ले जाओ, लेकिन ध्यान रखना इस धनुष को नारायण के अलावा कोई तोड़ नहीं सकता, और जो इस धनुष को तोड़ देगा फिर वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। बोले वृंदावन बिहारी तुम्हें छोड़ नहीं सकता। कंस वहां से आया, दुनिया भर के राक्षस इकट्ठे किए, अकासुर बकासुर व्योमासुर अरिष्टासुर केसी धेनुकासुर, बड़े बड़े राक्षसों को सम्मिलित करके मथुरा पर चढ़ाई कर दी, महाराज उग्रसेन को जेल में बंद कर दिया। उग्रसेन के एक भाई है दीपक, जिनकी पुत्री का नाम है देवकी, कंस ने सोचा कि मेरी छोटी बहन है देवकी, और अगर देवकी और वसुदेव का विवाह है हो जाए तो बड़ी अच्छी बात रहेगी। तो वसुदेव और देवकी का जब विवाह संपन्न हुआ, कंस ने बहुत सा दहेज दिया, और जैसे देवकी वसुदेव को विदा करने के लिए रथ पर सवार होकर पहुंचा, उसी समय आकाशवाणी हो गया, कंस जिस बहन देवकी को विदा करने जा रहे हो इसी देवकी का आठवां गर्भ तुम्हारा काल होगा। आकाशवाणी ने ये नहीं कहा कि लड़का होगा या लड़की, आठवां गर्भ तुम्हारा काल होगा। कंस ने वही रथ को खड़ा कर, मेरे काल को जन्म देने वाली देवकी को जब मैं जीवित से नहीं छोड़ूंगा तो काल पैदा होगा कहां से? कंस ने तुरंत रथ खड़ा कर दिया,
और रथ से देवकी के बाल पकड़ के नीचे रख के पटक दिया, तलवार निकाल के देवकी की छाती पर रख दिया। जब छाती पर तलवार रखी तो बंधु कहने का तात्पर्य कि पति को भी पति कहलाने का अधिकार तभी है जब वो अपनी पत्नी की हर तरह से सुरक्षा व्यवस्था करे। सारे धर्म पत्नी के लिए नहीं, एक ही धर्म एक पति प्रेमा काय वचन मन पति पर प्रेमा। अरे पति की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, पति की जिम्मेदारी है कि पत्नी की हर तरह से सुरक्षा व्यवस्था करे, तब वो पति कहलाने का अधिकारी है। वसुदेव तुरंत उतर पड़े और कंस की तलवार पर हाथ रख दिया। अरे भैया तुम्हें क्या कर रहा है, तुम इतने बड़े राजा और तुम्हें देवकी को मारते हुए शोभा देता है कि एक तो देवकी आपकी बहन है और वैसे नारी जो अवध्या होती है और फिर विवाह के समय तो नारी का लक्ष्मी का स्वरूप होता है। कहा तुम्हें पता नहीं है, देवकी हमारे देवकी के गर्भ से हमारा काल पैदा होगा तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। वसुदेव ने बड़ी सुंदर बात कही कि भैया संसार में केवल मृत्यु ही सत्य है और भगवान का अपरिवर्तनीय सत्य ही मृत्यु है। कंस ने कहा सुनो जी भाषण किसी और को सुनाना, ये वेदांत की भाषा किसी और को सुनाना, मेरे काल को जन्म को देने वाली देवकी को मैं जान से मार दूंगा तो काल पैदा होगा कहां से। वसुदेव ने कहा सुनो तुम्हें देवकी से तो कोई भय है, अरे इसके पुत्रों से भय है, तुम देवकी को छोड़ दो इसके दर से जितने वाला जन्म लेंगे हम तुम्हें समर्पित कर देंगे। कंस ने कहा वो तो ठीक है लेकिन जब तक आठ वाला पैदा नहीं हो जाए तब तक जेल में रहना पड़ेगा, हमारी एक शर्त है। वसुदेव को भी ऐसे लगा जैसे कोई कह रहा हो कि जब तक आठवीं संतान पैदा नहीं होती है तब तक तुम्हें जितना भी सहन करना पड़े सहन करना। वसुदेव देवकी को जेल में डाल दिया एकदम बदल गया, बदल गया। जिन हाथों में कंगन बांधा, विचार करें आप जिन हाथों में कंगन बना हुआ है वो हाथ घर भी नहीं पहुंच पाए, रास्ते में अरेस्ट हो गए, जेल में बंद हो गए, कंस की कैद में। जिन हाथों में कंगन बांधा हथकड़ियां वहां पे पड़ेंगी अब, जो पांव रंगे हैं मेहंदी से पीढ़ियां उन्हें जकड़ेंगी। देवकी वसुदेव को जेल में डाल दिया एकदम बदल गया। जो वसुदेव की दूसरे नंबर की पत्नी है रोहिणी वो यशोदा की सहेली है इसलिए अधिकांश वो यशोदा के पास रहती है गोकुल, और इनकी और पत्नी अपने ससुर के यहाँ रहती है। वसुदेव जी देवकी के यहाँ जब जेल में बंद कर दिया, जेल में एक एक वर्ष के अंतराल से पुत्र पैदा हुए, पहला पुत्र पैदा हुआ वसुदेव कंस के पास ले गए। कंस ने पहले तो सोचा कि तो पहला पुत्र हमें क्या लेना देना, सेवा जो आठ वर्ष पुत्र से बुराई पहले तो छोड़ दिया। इतने में नारद जी आए, बोले नारद नारद ने एक गोल चक्र बनाया धरती पर, बोले कंस ये बताओ कि इसमें पहली भी रेखा कौन है और आठवीं रेखा कौन है। बोले महाराज छोटे सिंह रसो उतरे पहली ये होते सिंह रसो ये आठवीं। बोले अगर इसी तरह बच्चों का क्रम होगा तो फिर क्या करोगे। और जैसे कंस को बात जच गई कंस ने उस बालक को उठाया और पत्थर से पछाड़ मारा। अब नारद जी तो ये चाहते थे कि इस पापी का पाप का घड़ा कितने जल्दी भर जाए और कन्हैया पर सिपर आ जाए। यहां देवकी का जो गर्व है सातवां बालक है जिसे हम बंदाव कहते हैं। भगवान ने योग माया से कहा देवकी के गर्भ में जो सातवां बालक है इसको गोकुल पहुंचा दो।
योग माया ने उस बालक को देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। छह बालक समाप्त हो गए, सातवें बालक के रूप में बंदा हुआ है। बंदाओं ने गोकुल में जाकर जन्म ले लिया, इसीलिए इस बालक का नाम संकर्षण भी पड़ा, क्योंकि देवकी गर्भ का बालक है और रोहिणी गर्भ में स्थापित किया गया। एक लौकिक कथा है कि रोहिणी के गोद में बालक नहीं था, रोहिणी मिलने आई थी, फिर रोहिणी के पति वसुदेव मिलने आए तो सातवीं संतान को ले गई, जल्द के पास सूचना पहुंचा दी कि देवकी का सातवां गर्भ नष्ट हो गया। अब तो कल को बड़ा कष्ट हुआ, अब आठवां बालक आ रहा है। माता देवकी के गर्भ में जो बालक है यही आठवां बालक है, यही मेरा गोपाल है, मेरा कन्हैया है, पर कन्हैया लाल की जय हो। ये बात है ना, सारा संसार इस गर्भ की बुराई करता है। गर्भवास समम दुखम ना भूतो न भविष्यति, गर्भ में जैसा कष्ट हुआ है वैसा ना कभी होगा ना कभी हो सकता है। गर्भ की सारी दुनिया बुराई करती है, लेकिन इसी गर्भ में जब हमारे ठाकुर जी आते हैं ना तो सब उसकी स्तुति करते हैं। ये जो कथा चल रही है इसका नाम ही गर्भ स्तुति। आप भगवान की स्तुति कर लो ताकि कन्हैया शीघ्र आ जाए, आप स्वागत करने के लिए तैयार तो हो जाए। स्वागतम सु स्वागतम सु स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा स्वागतम स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम शरणागतम स्वागत कर रहे हैं, तो कन्हैया को याद करा रहे हैं। सत्य व्रतम सत परम कृष्णम सत्यस्य योनिम निहितम जसति सत्यस्तत व्रत सत्यमेत्रम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्ना। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम सु स्वागतम शरणागतम सत्यम सत्यम सत्यात्मकम शरणं प्रपन्ना का
रात्रि की तिथि है, रात्रि के बारे में नहीं है। आज देवकी का काला ग्रह मंदिर बन गया, सारा संसार गहरी नींद में सो रहा है। यहाँ देवकी के यहाँ भगवान शंकर के कंकड़ा पर धारण किए होंगे, यहाँ देवकी दर्शन कर रही है, इस झांकी का दर्शन करें। समुतम बालकमेम चतुर्भुजम सर्गदायुदायुदम श्रीभिकीता पयम सात्रपयोगम पीताम्बरम सात्रपयोगम। एक प्रकाश हुआ, उस प्रकाश ने बालक का स्वरूप धारण कर लिया। देवकी उस समय अधसुषुप्त अवस्था में है। देवकी ने प्रश्न कर लिया, तुम कौन हो? उस बालक ने कहा, भैया मैं क्या बता दूं मैं कौन हूं, लेकिन जब तुम पूछ रही हो और मैं आज्ञाकारी बनकर आया हूं तो मैं बतलाता हूं मैं क्या हूं। भैया आज मैं बांसुरी वाला बनकर आया हूं, तेरा बेटा बनकर आया हूं। मैं क्या हूं अब बतलाता हूं, मैं आज बांसुरी वाला। इस कृष्ण रेन का पूर्ण चंद्र और ब्रज मंडल का वाला, जो आंखें बाट देखती थी उन आंखों का मैं तारा हूं। हे तारा ग्रह की तपस्वी में आठ बनाल मेरी माता, मेरी चिन्मयी माया गोकुल में नंद बाबा यशोदा के यहाँ पैदा हुई। मैं यहाँ आ गया और मुझे तुम यहाँ से वहां पहुंचा दो, और वहां मेरी माया अवतरित हुई है, उस माया को लेकर इस काला ग्रह में आ जाओ, क्योंकि मुझे पता है कि मामा कष्ट जन्म के साथ मानने चले जाते हैं। जब देवकी से कहा, आकाशवाणी हुई कि तुम मुझे वहां पहुंचा दो तो मेरे बदले में वहां एक कन्या पैदा हुई, उस कन्या को ले आ। अब देवकी ने सोचा कि हे भगवान, जिस बालक पर सारी आशाएं, वो बालक भी हमारी गोद से चला जाएगा। संसार के लोग तुमने कितनी माताएं देखी, लेकिन एक माता देवकी ऐसी है कि जो माता तो कहलाती है लेकिन जिसकी गोद में एक भी बालक नहीं। मैं कैसे माता कहलाऊंगी जिस बालक पर सारी आशाएं वो भी हमसे बिछड़ के जा रहा है। संसार में मैं एक ऐसी माँ हूँ कि माँ तो मैं कहलाती हूँ लेकिन मेरी गोद में एक भी बालक नहीं है। बोल वृंदावन बिहारी लाल जय हो। सोच रहे हैं ब्रजपति वंशी बदैया गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई जल गैया। ब्रजपति बंसी बजैया अब तो बंसी गाने के, ये बंसी का